तो गाइस के साथ सभी लोग स्वागत है आप सभी का दोबारा से एक नई ट्रिकी वीडियो में। तो गाइस यार आज की वाली वीडियो में हम सब दोबारा से खेलने जा रहे हैं वही हमारा पुराना सा मतलब नया गेम है स्काई ब्लॉक। और गाइस यार आपको तो पता ही है इस गेम में हमें कितना ज़्यादा मज़ा आती है ट्रिक निकालने में और उसके बाद भाई सब बंदों को लूटने में। तो गाइस जैसे कि हम हर वीडियो में जो है आपको ट्रिक बताते रहते, तो इसीलिए गाइस यार आज की वाली वीडियो में भी मैं आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी वाली मतलब आपने यार सोची भी नहीं होगी ऐसी ट्रिक लेकर आ चुका हूँ। और इस ट्रिक से गाइस आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाली है, मतलब प्रॉफिट तो आपको होने वाला है। और उसके बाद गाइस इस ट्रिक के यूज़ करके आप जो है मेरे हिसाब से पॉइजन ट्राइडेंट भी निकाल सकते हैं, जो कि गाइस आपको पता ही है न्यू स्काई ब्लॉक के जो है इवेंट मैप में आया है और वो बहुत ज़्यादा कम बंदों ने निकाला है, लेकिन आप भी वो निकाल सकते हो बहुत ज़्यादा इजीली। मतलब लिटरली अगर आप एक दिन पूरी मेहनत कर लिए तो आप जो है भाई साहब पॉइजन ट्राइडेंट का जो पूरा आर्मर आया है वो भी निकाल लोगे। तो गाइस जल्दी से अगर ट्रिक देख लेते तो फटाक से मैं चले जाता हूँ अपने इवेंट जोन। और राइट गाइस मैं यहाँ पे मेरे इवेंट जोन में आ चुका हूँ, यहाँ पे पूरा मस्त अपना स्काई ब्लॉक का मैप यहाँ पे खुल चुका है। और उसके बाद गाइस अभी हमें जाना है पल्स वाले मतलब जो अभी अंडर वाटर वर्ल्ड आया उधर हम जाएंगे। पहले तो मैं आप सभी को थोड़ा वो ट्रिक के बारे में बता देता हूँ कि आज वाली ट्रिक में हम सब करने क्या वाले। मतलब गाइस आज वाली ट्रिक में मैं आप सभी को कुछ बहुत ही तगड़ा चीज़ बताने वाला हूँ, तो वही मैं आपको पहले समझा दूँ कि मैं क्या बताऊँगा। तो गाइस जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो मैप आया था अंडर वाटर वर्ल्ड नाम का यहाँ पे स्काई ब्लॉक के इवेंट जोन में, तो गाइस उसमें जो है हमें यहाँ पे जो न्यू मैप आया है इसमें हमें जो है पल्स देनी पड़ती है और उसके बाद जो है हमारा यहाँ पे प्रोग्रेस बार बढ़ता है और हमें जो है ये रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। तो गाइस ये रिवॉर्ड्स के साथ में जो है हमें जो है साथ ही साथ जो यहाँ पे गोल्डन शेल भी मिलते हैं जिसका यूज़ करके गाइस हम जो है यहाँ पे तगड़ा तगड़ा मतलब यहाँ पे जो है अपने पॉइजन ट्राइडर निकाल सकते हैं। यहाँ पे फुल जो है किंग आर्मर आया वो भी हम निकाल सकते हैं और साथ ही साथ ये जो है छोटी मोटी चीज़ें हैं वो भी हम निकाल सकते हैं। गाइस अभी आपको ये सब निकालने के लिए चाहिए होगा गोल्डन शेल, लेकिन गोल्डन शेल आपको कहाँ से मिलेगा गाइस? वो आपको मिलेगा ये पल्स को यहाँ पे करने के बाद, मतलब यहाँ पे आप जितनी ज़्यादा पल्स पे करोगे आपको उतनी ज़्यादा जो है यहाँ से गोल्डन शेल मिलने वाली है। अब गाइस इसीलिए मैं यहाँ पे आपको इस वाली वीडियो में बताने वाला हूँ कि गाइस आपको कैसे फटाफट जाके गोल्डन शेल जमा करना है, मतलब पहले आप पर्ल्स जमा करोगे उसके बाद उसे हम जो है कन्वर्ट कर देंगे गोल्डन शेल्स में। तो गाइस जल्दी से देख लेते हैं। अभी गाइस देखो याली ट्रिक मेरी बनाने की सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमने जो पिछली वाली ट्रिक में बताया था कि वुड माइन करके जो है हम कैसे फटाफट से 10 मिनट्स के अंदर ही भाई साहब हमने 100 से 200 वुड्स जो है माइन कर दी थी, लेकिन गाइस इधर पे जो है माइनिंग एरिया ही नहीं है, मतलब यहाँ पे हम क्या खोदो के बताओ, इधर हाथ हाथ से मैं क्या खोद लूँ? यहाँ पे सिर्फ गाइस मॉब्स है और हमें जो है उसे मारना है। और गाइस मॉब्स भी ऐसा नहीं कि अलग अलग टाइप के, यहाँ पे जो है हमें सिर्फ दो ही टाइप के मॉब्स देखने मिल जाते हैं। यहाँ पे एक शेल है और सेकंड गाइस यहाँ पे जो है क्रैबी है, मतलब ये देखो ये नूबड़ा सा क्रैबी जिसे मैं हाथ हाथ से मार दिया भाई साहब, इतनी ज़्यादा शक्ति है, हमें शॉट की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने हाथ हाथ से मार दिया। तो गाइस देखो यहाँ पे ये दो ही है और जिन्हें मारने के बाद जो है हमें पल्स मिलने वाली। अब गाइस ये दो हो गए और इसके बाद गाइस थर्ड यहाँ पे मॉब है, एक आती है चेस, मतलब वो चेस जो है आपको स्पॉन करानी पड़ती है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। तो गाइस जल्दी से चल के अपन जो है ट्रिक्स देख लेते कि हमें जो है पल्स कैसे कैसे मिल सकती है यहाँ से बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में। मतलब आप अगर अभी गेम स्टार्ट किया तो भी आप गाइस दिन का जो है 100 तो गाइस यार आप तो एक घंटे में जमा कर लोगे, आप अगर दिन भर मेहनत कर लो तो 1000 पल्स जो है आप इस वीडियो को देख के जो है ईजीली जमा कर सकते हो। तो गाइस देरी किस बात की, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों रुकाने का, जल्दी से देख लेते हैं अपनी ट्रिक को। तो गाइस यहाँ पे मैं 3 ट्रिक बताने वाला हूँ। तो ट्रिक नंबर 1, तो गाइस ट्रिक नंबर 1 में आपको कुछ नहीं करना है, आपको जो है अपने पास जो भी तगड़ी वाली स्वॉर्ड है उसे लेकर आने की है और जो है यहाँ पे आपको इन मॉब्स को मारना स्टार्ट कर देने का। गाइस अब देखो ये यहाँ पे मैं इस मॉब्स को मारना जो है स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे मैं शेल को मार रहा हूँ धड़े धड़ इधर पे। और जब गाइस यार ये मतलब हम इन्हें मार देंगे शेल्स को तो हमें जो है यहाँ से पर्ल्स मिलने वाली है, या तो गाइस हमें मिलेगी ओशन ट्रेजर मैप। अब ट्रेजर मैप का यूज़ जो है वो भी मैं आपको बताता हूँ, पहले हम जो यहाँ पे इन्हें मारने के बाद जल्दी से एक पर्ल्स जो है जमा कर लेते, देखते हैं अभी हमें कितनी देर के बाद यहाँ पे एक पर्ल मिलने वाली है। तो इसने तो कुछ भी नहीं दिया भाई साहब, क्रैबी के पास कुछ है नहीं क्या? शायद से सिर्फ शेल को मारने से मिलता है, क्योंकि रियल लाइफ में भी शेल के अंदर ही पर्ल्स निकलती है। ये मेरे अंदर क्यों जा रही है? तो गाइस इसे मार दिया, इसने सिर्फ कॉइन ही दिए।
अब इसको भी किल कर देते हैं। तो इसने दिए भाई साहब कोल, कोल कहाँ से मिल रहा है मेरे को समझ में आ रहा है। ये सब रहते पानी में और देते कॉल है, मेरे को समझ नहीं आता इनका क्या सिस्टम है। इसने भी भाई साहब कोल ही ड्रॉप किया है। और भाई भाई नूब भाई कहाँ भाई कहाँ मार रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। अभी इस इधर आगे वाले को मारते भाई साहब, एक बंदे को निपटा दिया भाई शैल ने, बहुत गलत किया उसने। और गाइस देखो यहाँ पे इसने भी यार कॉइन नहीं दिया, ये मार रहा था मेरे को अभी पीछे से आके, भी इसे भी मार देते जल्दी से। भाई साहब इसने भी कुछ नहीं दिया, आज वीडियो बनाने आया तो भाई साहब ये देते ही नहीं है, बोले वीडियो लॉन्ग जानी चाहिए एकदम ही। अभी इसको ही मार लेते जल्दी से। तो गाइस इसने भी कॉइन नहीं दिया है भाई साहब, कहाँ जा रहे हो दोनों, उसको मारने के लिए बेचारा मर जाएगा अकेले। अरे शायद से वो जो है शैल गिरा था, लेकिन वहाँ पे मतलब पल्स गिरी थी, लेकिन उस बंदे ने जो है उठा लिया। अभी इसे भी मार देते जल्दी से। इसने भी भाई साहब कोल ही दे, समझ नहीं आ रहा भाई इनके पास कोल कहाँ से आ जा रहा है, कहाँ से भाई साहब कोल आता है समझ में नहीं आ रहा। अभी इसे भी मार देते भाई यार प्लीज़ तू दे देना, नहीं दिया भाई, इनको मारने से मिलना बंद होगा क्या, मेरे को समझ नहीं आ रहा है, जल्दी से इसे भी मार के देख लेते। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे जो है मैंने 50 से 60 मारने के बाद भी यार गाइस मुझे यहाँ पे एक पल्स भी नहीं मिली भाई साहब, मैं क्या बोलूँ। शायद से स्काई ब्लॉक वालों ने भाई साहब ये सिस्टम ही हटा दिया कि इनको मारने के बाद मिलेगी। अब गाइस यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एक बॉस को मारने के लिए, मतलब क्या है ये बॉस जो है हम रैंडम जो है स्पॉन कर सकते कोई भी बंदा जाके। उसके लिए आपको क्या चाहिए होगा, मैप, मैप जो है आप मतलब सिंपल जाके मैप लेके जाओगे और उसके बाद जो है आपको एक लोकेशन बताएगी और ये बॉस जो है स्पॉन हो जाएगा। अब गाइस इसके मरने के बाद जो है हमें यहाँ पे रैंकिंग आ जाती है, और अगर गाइस आप फर्स्ट आते हो तो आपको 4 पल मिल जाएगी, और अगर आप सेकंड आते हो तो आपको 2 पल्स ही मेरे हिसाब से मिलने वाली है। अब गाइस यहाँ पे जो है हमारी फर्स्ट ट्रिक तो भाई साहब बहुत गंदी वाली फेल हो चुकी है, मतलब क्या बोलूँ मैं, आप मानोगे नहीं भाई मैंने 50 से 60 मॉब मार चुका हूँ, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक पल नहीं मिली। देखो पूरी इन्वेंट्री यहाँ के नीचे की खाली। अब गैस मैं क्या करूँगा ना, क्या ही करूँ भाई, ये मॉब्स को मार मार के मैं थक जाऊँगा, ये ख़त्म नहीं होने वाले, बार बार रिस्पॉन होंगे। गैस अभी इसे छोड़ देते आप, लेकिन गैस मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या मॉब्स को मारने का अभी पल मिल गया या नहीं, क्योंकि मैंने यहाँ पे लिटरली गैस बहुत सारे मॉब मारे लेकिन मेरे को एक भी पल नहीं मिली है। तो गैस बताना कमेंट में ज़रूर। अभी गैस हम चलते हैं सेकेंड ट्रिक की तरफ। सेकेंड ट्रिक जो है ये बहुत ही ज़्यादा इजी है, मतलब आप जो है भाई साहब इसे इजी पीजी कर सकते हो, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा भी आएगा इसे करने में। ये स्काई ब्लॉक वालों ने बेसिकली क्यों डाला था कि हमारा जो इतना बड़ा बनाया हुआ है मैप, उसे जो है बंदे आके फुल फुल एक्सप्लोर करें, इसके लिए स्काई ब्लॉक ने जो है ये मतलब सिस्टम डाला है। अब देखो गाइस ये सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे जो है गाइस हमें दिया गया है एक मैप, मतलब ओशन ट्रेजर मैप। अब जब आपको तो पता ही है भाई साहब माइनक्राफ्ट में भी आपने देखा ही होगा कि जब हम मैप्स के पास जब डिक करते तो वहाँ हमें जो है कुछ ना कुछ खजाना मिल जाता है, बहुत ज़्यादा खतरनाक वाला। अब यहाँ पे क्या आएगा गाइस, जैसा देखो ये मैं मैप लेकर आया था, हाँ ये पीछे है, इधर पे गाइस देखो डिक करने के बाद जो है बहुत ज़्यादा रेयर वाला है तो अपने को वो मिल जाएगी, जेम्स मिल जाएगी, या तो गाइस यहाँ पे जो है एक बॉस स्पॉन होने वाला है। अब देखते गाइस क्या आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिंपली अपना जो मैप ओपन करता हूँ। भाई साहब तुम हार रहे हो ना। अब गाइस यहाँ पे मैं आया और ये अपना मैप जो है, भाई साहब कौन है भाई, तीर ही तीर मारा, अच्छा ये है, रुक जाओ इससे पहले चटका कर आया थे गाइस, इसकी भैंस की ये गया गाइस, ये इसको मारूँगा आपने, इंटरनेट इंटरनेट इश्यू हो रहा था, रुक जाओ। अभी कहाँ जा रहा है भाग के, क्यों जा रहा है, इधर खड़े रहे, मार दिया ना पत्ता, सिस्टम ही इसका खलास कर दिया गाइस अभी हमने। अब गाइस मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है हम अपना मैप रखेंगे और इसे ओपन करके देखेंगे क्या मिलता है। तो गाइस मैंने डिक ट्रेजर किया और यहाँ पे मुझे जो है एक पल्स जो है इजी पीजी मिल चुकी है। अब गाइस यहाँ पे ये मॉन्स्टर जो है भाई साहब हमें तंग करते रह गए, देखो आके भाई साहब खड़े हो जाएंगे, मारते रह गए, कुछ मिलने नहीं वाला इनको, इनको पता ही हम ये मरने वाले, लेकिन हाँ मारेंगे। अब गैस चले आते हैं हम अपना सेकंड मैप खोलने के लिए। अब गैस मैं सेकंड मैप जो है यहाँ पे खोलूँगा, यहाँ पे मतलब टिक का दिखा। तो गैस देखो अभी हमें मिल गए 2 पल। अब यहाँ पे गैस मैंने टोटल जो है 2 मैप खोले और यहाँ पे मुझे जो है 3 पल्स मिल चुके। अब गैस हम देखेंगे हमारा थर्ड मैप में क्या निकलता है। अब यहाँ पे मैं आगे जा रहा हूँ, टिक करने का ऑप्शन गैस यार मुझे एकदम फ्रंट में मतलब हमारे एकदम सामने दिखा रहा है, जल्दी से भाग के आते और ये इधर आ गया मैं। अरे भाई साहब किसी ने तो मार दिया, अच्छा वो मॉन्स्टर से मार दिया भाई साहब, इतने बुरे दिन आ गए कि मॉन्स्टर मार दे रहे हाथ के हाथ से। अब यहाँ पे जो है डिक कर रहे थे, सामान अपना सारा यहीं पड़ा है डिक किया। तो गाइस यहाँ पे भी हमें जो है 2 पल मिल गए, मतलब टोटल गाइस मैंने 3 मैप्स ओपन किए और हमें जो है यहाँ पे भाई साहब कितने पल्स मिल गए, 5 पल्स मिल गए। अब यहाँ पे मैं लास्ट फोर्थ वाला हमारा मैप खोलने जा रहा हूँ, देखते इसमें कितना हमें जो है पल्स मिलता है।
तो दोबारा से उसी लोकेशन पे आ गया। और गाइस यहाँ पे हमें जो है पर्स नहीं मिले, यहाँ पे हमें जो है छुट्टे पैसे मिल गए 50,000 रुपये। भाई साहब ये परेशानी करते रहोगे क्या तुम? दांत के अंदर मेरे को बंद कर दिया गाइस इसने, क्या बोलूँ अभी मैं, छोड़ो रहने दो गाइस। अभी हम जो है अपने स्पॉनिंग पॉइंट पे स्पॉन हो गए। अब गाइस देखो मैंने यहाँ पे आप सभी को बता दिया कि हमें जो है यहाँ पे या तो मॉन्स्टर्स को मारना है, ये जो है छोटे मोटे यहाँ से पड़े शैल और क्रैबी, इन्हें मार के हमें जो है पल्स और जो है मैप मिल जाते। अब गाइस अगर हमें सेकंड चीज़ मैंने आपको जो बताया सेकंड ट्रिक वो थी कि हमें जो इनसे मैप मिलते वो हमें ओपन करना है तो हमें इजी पीजी पल्स मिल जाता। मतलब गाइस मैंने यहाँ पे 4 मैप्स ओपन किए थे और मुझे 5 पल्स मिल गए थे, एक में से मिला नहीं पल्स, तो मेरे को फिर भी गाइस यहाँ पे जो हुआ प्रॉफिट। लेकिन गाइस कभी कभी क्या होता है जब हम मैप ओपन करते हैं तो यहाँ पे जो है एक चेस्ट स्पॉन हो जाती है जिसे गाइस बोलते हैं इस मैप का बॉस। अब गाइस बॉस को जब हम लिटरली जब किल करते तो हमारा अगर डैमेज ज़्यादा होगा तो हमें वहाँ पे जब 4 पर्ल्स मिल जाती है एक ही मैप से। अब गैस आप बोलोगे भाई साहब मैप्स कहाँ से लाए, मतलब पर्ल्स तो चलो मिल जा रही है हमें लेकिन मैप कहाँ से लाए गए, हम ये पर्ल्स तो मिल जाएगी। अब देखो गैस मैप लाने का सिंपल ट्रिक है ये थी कि इन्हें हम किल करेंगे मॉन्स्टर्स को और हमें जो है यहाँ से इसी पीजी मैप्स मिल जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको एक और नई ट्रिक बताऊंगा कि जिससे आप जो है भाई साहब अनलिमिटेड मैप कलेक्ट कर सकते हो। भाई साहब अगर गाइस अगर आपके पास अनलिमिटेड मैप होगा तो इजी पीजी आपके पास अनलिमिटेड पल्स भी हो जाएगी, सही है नहीं? तो गाइस यही अभी मैं आपको बताता हूँ कि अनलिमिटेड आपको मैप्स कहाँ से करने का। तो गाइस देखो ये जो है मेरी स्क्रीन में आपको वो ट्रिक दिख रही है, मतलब यहाँ पे देखो गाइस ये है ये बंदा, ये हमें देगा अनलिमिटेड मैप्स, ये जो मेरे बाजू में खड़ा। तो गाइस इसके पास से हमें जो है मैप्स मिलते हैं। अब ये कैसे मैप्स देगा मैं आप सभी को बताता हूँ। बस ये बंदा जो है हमें मैप्स ऐसा देने वाला है, मतलब हमें कुछ नहीं करना, यहाँ पे देखो गेट का बटन आ रहा है, हम इसके पास आएंगे और यहाँ पर आके टैप कर देंगे। यहाँ पे गाइस हमें जो है 1 मैप मिल चुका है। अब गाइस इसे भी जाके अगर हम ओपन करेंगे तो हमें ऐसी कोई तगड़ा सा आइटम मिलेगा, मतलब पल्स या तो कॉइंस मिल जाएगी। तो गाइस अभी यहाँ पे जो है मुझे 1 मैप मिला है एक टैप करने से। लेकिन गाइस क्या हो गया हमें जो है इसी बंदे से, मतलब इसी बंदे से मैं जो हूँ अनलिमिटेड मैप कलेक्ट कर पाऊँ तो कितनी ज़्यादा ही मज़ा आ जाएगी। तो गाइस मैंने वो ट्रिक भी निकाल चुका हूँ जैसा कि गाइस आप देख सकते हो। देखो 1, 2, 3 ये मैंने गाइस मेरी ओपन की है इन्वेंट्री और गाइस यहाँ देख लो हमारे पास इतने सारे मैप है, मतलब यहाँ पे 16 16 16 करके बहुत ही सारे मैप यहाँ पे पड़े हुए। और उसी के साथ गाइस अभी हमें मिलने वाले इसका यूज़ करके टाइटल, मतलब गाइस यहाँ पे जो मेरे 16 मैप है अगर मैं 16 मैप को यूज़ करूँगा तो मुझे गाइस आराम से 50 पल्स मिलने वाले। अब गाइस इससे जो है आप सोचोगे मैंने यार अभी मतलब इवेंट आके जो ये वाला मैप आके जो है टोटल 13 डेज हो गए। अभी गाइस आप बोलोगे भाई साहब बंदे ने है 13 दिन में जमा कर लिए होगे अच्छे खासे मैप, तो गाइस ये नहीं है, मैंने जो है ये पूरे मैप्स लिटरली इन 2 डेज में मैंने पूरा ये सब जमा किया। और ये नहीं कि पूरा 24 घंटा खेलता बैठा था रात भर, ऐसा नहीं किया, सिर्फ गाइस मैंने यहाँ पर आके 10 मिनट्स खेला और उसके बाद मुझे पल्स मतलब मैप्स मिल गए। तो गाइस वो मैंने क्या किया था कि हमें क्या करना होगा गाइस मैप्स जमा करने के लिए, कि हमें सबसे इजी ट्रिक है कि यहाँ पर आओ और एक गेट वाले बंदे से तरह के एक मैप कलेक्ट कर लो। लेकिन गाइस यहाँ से जो है हमें टोटल 1 मैप कलेक्ट होता है, उसके बाद हमें जो है 8 आवर्स का टाइमिंग आ जाता है, देन हम लोग जो है जाके सेकंड मैप कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब गाइस अभी जैसा मैं आपको बताता हूँ सिंपल लॉजिक, टोटल गाइस यार देखो एक दिन में हमारे पास होते हैं 24 आवर्स और जो है हमें यहाँ पे 8 आवर्स में जो है मैप कलेक्ट करने मिल जाता है। 24 आवर्स में जो है आके यहाँ पे 3 बार मैप कलेक्ट कर सकते हैं। अब गाइस आप बोलोगे यार एक दिन में 3 बार कलेक्ट करेंगे तो हमारा कैसे गुजारा होएगा? तो गाइस देखो मैंने क्या किया था कि यहाँ पे मैंने जो है टोटल 10 to 15 IDs जो है बना डाली, उसके बाद जो है गाइस मैं सबसे आके जो है पूरे एक दिन आके कलेक्ट किया। अब गाइस आप ही कैलकुलेट कर लो 15 × आप जो है 3 कर लो कितने मैप्स हो जाएंगे, यहाँ पे गाइस हो जाते 45 मैप्स। तो गाइस ये जो है 45 मैप्स मैं आके लिटरली इन 10 मिनट्स में कलेक्ट कर लेता हूँ। और गाइस ऐसा मैंने जो है 2-3 फ़ोन में अपने आईडी बना रखे थे तो मैंने यहाँ पर आके जो है 1 या 2 दिन में जो है यहाँ पे पूरे इतने सारे मैप्स कलेक्ट कर डाले इजी पीजीली। गाइस आप भी जो है इजी पीजी जाके अपनी आईडी बना लो और उसके बाद जो है यहाँ पर आके मैप कलेक्ट कर लेना, मैप कलेक्ट करने के बाद गाइस आप जो है अपनी आईडी में अपने मैप से ट्रांसफॉर्म इजीली करा सकते हो। तो आपको ये करना है, अभी गाइस आपको मैं मैप यूज़ करके बताता हूँ कि इन मैप से मुझे कितना सामान मिलने वाला है। गाइस यहाँ पे मैंने मेरे मैप्स को जो है ओपन कर लिया, अब फटाक से जाके हम जो है अपने पूरे मैप्स को कलेक्ट कर लेते हैं। अब गाइस देखो यहाँ पे जो है मेरा पहला डेस्टिनेशन है
बता रहा, मतलब जहाँ पे हमें जो ट्रेजर मिला ना, तो यहाँ पर आए मैं और डिग कर लिया। अब गाइस यहाँ पे जो है मुझे 50,000 मिल गए। और गाइस देखो, इस बंदे ने भी मैप लेकर आया था, लेकिन इस बंदे ने जब स्पॉन किया था यहाँ पे चेस स्पॉन हो गई। मतलब गाइस इस बंदे का मैप जो है बहुत ही ज़्यादा लक्की वाला था, और यहाँ पे जो बॉस स्पॉन हो गया। तो मैं भी गाइस इधर धड़ाधड़ इधर पे मारना शुरू कर देता हूँ, देखते हैं गाइस मैं कितने रैंक पर आता हूँ और मुझे क्या मिलने वाला है। वैसे तो गाइस यही जो है फर्स्ट रैंक पे आएगा, क्योंकि इसके पास जो है गाइस बहुत ही ज़्यादा खतरनाक वाली स्वॉर्ड है, और मेरे पास तो भाई साहब स्केलेडन स्वॉर्ड है। तो मेरे को नहीं लगता मैं इतना डैमेज दे पाया होगा इसे। गाइस वही मैं सेकेंड रैंक पे आया, और ये बंदा जो है फर्स्ट रैंक पे आ चुका है। भाई साहब नूब है, नूब बंदा है भाई। आई याद दिखा रहा है। चलो गाइस इसने जो है अपना काम कर दिया, इसने इलाके बॉस स्पॉन किया था। अब चल इसे लेके चलते हैं अपने साथ में। यार है क्या? नहीं आ रहा। तो गाइस ये भी अपने पीछे पीछे आ रहा है। अब यहाँ पे गाइस अपने पास 15 मैप से, यहाँ पे हमें जो है एक ही मैप से भाई साहब 2 पर्ल्स मिल चुके हैं। अभी गाइस यहाँ पे सामने जो है मैप स्पॉन कराना है, जल्दी से मैं चले आता हूँ यहाँ पे जाके टिक करते हैं। और राइट गाइस, तो यहाँ पे टिक करने के बाद मुझे दोबारा से कॉइन्स मिले। अब यहाँ पे चल के टैग से जाके टिक करते हैं, देखते हैं अभी हमें क्या मिलता है। राइट गाइस, तो यहाँ पे जो है मेरे मेरी 16 के 16 पर्ल्स यूज, मतलब मैप्स जो है गाइस यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पे मेरा लास्ट मैप बाकी है, और गाइस मेरे इसे यूज़ कर दिया। गाइस देखो, सिर्फ 16 मैप्स यूज़ करने के बाद मुझे यहाँ पे 52 पर्ल्स मिल चुकी है। भाई साहब इतना इतना तगड़ा सिस्टम है भाई साहब। 52 पर्ल्स मैंने, मतलब कह जाए टोटल 16 मैप यूज़ किया और मुझे 52 पर्ल्स मिल गई है। अब गाइस मेरे पास जो अभी भी इतने सारे मैप्स बाकी है। सोचो गाइस अगर मैं सबको यूज़ कर दूँ तो मेरे पास 500 पर्ल्स गाइस इजीली हो जाएगी एकदम। मतलब क्या बोलूँ गाइस, मैं एक दिन की मेहनत में गाइस यार मैंने 500 पर्ल्स निकाल दूंगा। गाइस फटाक से ये सब भी यूज़ करके आपको बता देता हूँ। मतलब यहाँ पे जो है मैं 3 स्टैक मैप जो है ये, मतलब टोटल 5 स्टैक मैप जो है गाइस यहाँ पे मैंने नीचे उतार लिया अपनी इन्वेंट्री में। अब गाइस पूरे को यूज़ करके देखते हैं कि कितने पर्ल्स हमें यहाँ पे मिलने वाले। तो फटाक से गाइस यार जल्दी से चले जाता हूँ और यूज़ करके आप सभी को डायरेक्टली बताता हूँ, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पे मैंने अपने 5 स्टैक मैप्स जो है वो पूरे के पूरे यूज़ कर लिया हूँ। अभी यहाँ पे से मेरे पास 9 मैप जो है अभी बाकी है, अभी जल्दी से इन सबको भी यूज़ कर लेते हैं। गाइस देखो, 250 पर्ल्स मेरे पास हो गई अभी भाई साहब। 9 पर्ल्स अभी, मतलब 9 मैप अभी मेरे पास बाकी है, लेकिन गाइस मेरे पास 250 पर्ल्स देखो होने वाली है भाई साहब। लिटरली 5 स्टैक मैंने यूज़ किए और इतने सारे पर्ल्स हो गए। यहाँ पे देखो भाई साहब, 6 स्पॉन हो गई तो पार से गाइस मेरे यहाँ पे 6 स्पॉन करा लिया। भाई साहब तू मेरे साथ था ना, कोई और मारने आ जाएगा तेरे को। प्लीज़ आ जा मेरे साथ, आ जा भाई, आ जा, आ जा मेरे साथ, आ जा मेरे साथ, आ जा मेरे साथ, आ जा, कोने में मारूंगा तेरे को। अकेले लेके आके गाइस इसे मारा करो कभी भी, वरना ऐसे नूबड़े बंदे आ जाते और फिर तुमको जो है परेशानी हो जाती है। मतलब ये मार लेके भाई साहब, देखना अभी तुम इसे ओपन कर देते। और यहाँ पे गाइस मुझे 4 पर्ल्स मिल चुके। अब तुम पार से आते डिक करने के लिए। भाई साहब मेरे साथ सारे मैप लक्की है भाई, बार बार इसमें से चेस निकल रही। अब दोबारा से टिक किया, यहाँ पे पर्ल निकल गए। जैसी तारीफ करेंगे ना गाइस अपने मैप्स की, वैसी भाई साहब ये लोग धोखा दे देते हैं। अभी के लास्ट मैप है गाइस, देखते हैं इसमें से क्या निकलेगा। ओ भाई मेरे को लगा दोबारा से चेस स्पॉन हो गए, क्योंकि गेम जो है थोड़ा सा लैग किया। ऑल राइट गाइस, तो यहाँ पे जो मैंने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 5 स्टैक मैप का यूज़ किया, मतलब एक स्टैक जो है गाइस यार यहाँ पे 16 मैप्स का होता है। तो उस हिसाब से गाइस यहाँ पे मैंने जो है 5 स्टैक मैप्स यूज़ किए, और यहाँ पे मेरे पास 260 पर्ल्स हो चुकी है भाई साहब। यहाँ पे अभी गाइस क्या करते हैं, हम इस सारी पर्ल्स का यूज़ कर देते हैं अपने रुको गाइस, वो बंदा भी जो है मैप लेके आ रहा है। गाइस इस सारी पर्ल्स का जो है हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे पेमेंट देने में। तो यहाँ पे मैं ये टैप किया और 100 पर्ल्स भाई साहब, 100 ही देनी, ज़्यादा नहीं, 100 पर्ल्स यहाँ पे कंफर्म किया। और गाइस देखो यहाँ पे हमें भाई साहब 100 गोल्डन शेल भी मिल गए, और यहाँ पे जो है हम जाके जो इजी पीसी यहाँ पे 5 ड्रॉस कर सकते हैं, और 100 पर्ल्स में यहाँ पे मैं 10 ड्रॉस कर पाऊँगा। और गाइस देखो, फॉर्चून का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखा करो साहब, ये सी आया तो गाइस आप जो कभी भी इधर पे ड्रॉ नहीं करना। मतलब सी का मीन्स गाइस होता है कि बहुत ज़्यादा आपको गंदा आइटम मिलेगा एकदम ही, मतलब मत ही निकालना गाइस। जब आपको अगर एस प्लस आएगा या ऐसा आएगा तभी आपको आइटम्स जो है वहाँ पे ड्रॉ करने, वरना गाइस आपके जो है गोल्डन शेल ऐसे ही वेस्ट जाने वाले, तो उसे यूज़ मत करना। तो गाइस यही थी बहुत ही तगड़ी वाली ट्रिक जो मैंने आप सभी के लिए ढूंढा था। और गाइस सॉरी के वीडियो आने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया, क्योंकि गाइस यार मैं देखो ये काम कर रहा था, आप देख सकते भाई साहब ओशन टाइटल मेरे पास कितने सारे पड़े, मतलब टोटल
यहाँ पे मेरे पास 6 ओशन टाइटल है, मतलब 6 यहाँ पे ही है गाइस, 6 टाइटल इधर ही है और एक मेरे पास और है, मतलब गाइस यहाँ पे हमारे पास टोटल 7 टाइटल्स है भाई साहब, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक मैंने ग्राइंड किया, मेरे को भी नहीं पता था मेरे पास कितने टाइटल्स है, गाइस यहाँ पे मेरे पास 7 टाइटल्स है भाई साहब, और गाइस इन टाइटल्स को जो है मैंने बहुत ही ज़्यादा इजी पीजी जमा कर लिया। पहले गाइस मुझे ऐसा लगता था भाई साहब टाइटल क्या पता कैसे जमा करूँगा, लेकिन यहाँ पे गाइस मेरे पास जो है 7 टाइटल्स है। तो गाइस इस ये ट्रिक भी आपको अगर चाहिए कि हमें जो ओशन टाइटल कहाँ से मिलेगा तो वो भी गाइस मैं आप सभी को बता दूंगा। बस गाइस जल्दी से आके वीडियो पे लाइक गोल कंप्लीट कर दो 150 लाइक्स का, और उसके बाद गाइस तगड़ी सी कमेंट भी दे देना आपको जैसी भी लगी वीडियो उस हिसाब से, और अगली वीडियो में हमें क्या करना चाहिए वो भी गाइस आप कमेंट में बता सकते हो। तो गाइस यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन गाइस यार रुको, पहले गाइस यार ताकि पहले सब्सक्राइब करना, फिर ही वीडियो को लीव करना, क्योंकि गाइस यार 1000 सब्सक्राइबर के हम बहुत ज़्यादा करीब हैं, मतलब 100 सब्सक्राइबर ही बाकी है गाइस, जल्दी से आके कंप्लीट कर दो, फिर उसके बाद मज़ा आने वाली है कि गाइस चैनल पे होने वाले बहुत ज़्यादा तगड़े तगड़े गिव अवे, मतलब जैसा कि गाइस यार ये सीधा ओशन टाइटल का मैं गिव अवे कर दूँ, या तो जी क्यूब्स के जो गाइस यार ये तो जी क्यूब्स के बधेरे गिव अवे होने वाले, मतलब आप सब भी जो है इजी पीसी आपके अकाउंट्स में जो है तगड़े तगड़े, मतलब बहुत ही सारे जी क्यूब्स ले पाओगे, बहुत ही ज़्यादा तगड़े तगड़े एमवीपी आइटम भी जो है कलेक्ट कर पाओगे, जो कि मैं ही आपको गिव अवे करूँगा। तो गाइस जल्दी से आके अपन के सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करवा दो, मिलते गाइस यार नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।